दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर के एक और नई वीडियो में, और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए हमारा मंडे के लिए क्या व्यू रहेगा। एक टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे सारे वर्ल्ड इंडाइसिस का, देखेंगे किस तरफ हमारा मार्केट जा सकता है। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी यार कि पिछले कुछ दिनों से जो साइडवेज मार्केट है उसमें जो ऑप्शन बायर है और स्पेशली जो रिटेल ऑप्शन बायर है उसकी बहुत बुरे तरीके से जो है लॉस लग रहे हैं, तो उसको रिलेटेड भी मैं एक लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिससे एक ऐसा एक्सपीरियंस एक ट्रेडर का मैं लेके आऊँगा आप लोगों के सामने, जिससे हो सकता है आप लोग कुछ सीखें और ऑप्शन ट्रेडिंग जो ऑप्शन बाइंग है उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें तो उसे एक सिस्टमैटिक ढंग से करें। वो सारी चीज़ें हम उस वीडियो में कवर करेंगे, बट इस वीडियो का मेन जो हमारा फोकस है वो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मंडे को किस तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है वो कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2000 लाइक्स, तो यार लाइक तो बनता है। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सामने मेरे चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। निफ्टी इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मार्केट की चर्चा करेंगे, उसके बाद अपने मार्केट की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले अगर हम डाउ जोन्स को यहाँ पे देखते हैं, डाउ जोन्स का डेली चार्ट अगर मैं लगाता हूँ, ये सारे लेवल्स मैंने आपके सामने पहले ही ड्रॉ करे थे जब हम वीकली वीडियोज़ जो में है वर्ल्ड मार्केट को जो है वो ऐड करते थे। बट अगर आप यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं डाउ जोन्स का चार्ट, तो आप देख सकते हैं बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर डाउ जोन्स खड़ा है। अगर आप इस एरिया में देखें तो यहाँ पे एक बहुत बेयरिश कैंडल हमें इसमें देखने को मिली थी डाउ जोन्स में इसी लेवल से, तो 34,800-850 एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस है डाउ जोन्स के लिए। नीचे की तरफ अगर आप RSI को देखते हैं तो उसमें अगर आप कंपैरेटिवली ओवरऑल मार्केट को देखें, अगर आप किसी भी वर्ल्ड मार्केट को देखें या इंडियन मार्केट्स को भी देखें, अमेरिकन मार्केट्स का RSI ज़्यादा सपोर्टिव है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है अमेरिकन मार्केट्स में कंपैरेटिवली और किसी मार्केट के भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे दिखाता हूँ, बट डाउ जोन्स के लिए एक बहुत क्रिटिकल लेवल है, ये लेवल निकालता है तो डाउ जोन्स में नए ऑल टाइम हाईज लगते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। 34,800-850 बहुत क्रिटिकल लेवल है। अब हम अगली चीज़ यहाँ पे देखते हैं, वो है नैसडैक। नैसडैक में आप देख रहे हैं बहुत स्टीप रैली आई है, मतलब अगर आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत स्टीप रैली हमें इस वक्त देखने को मिली है नैसडैक में। RSI बिल्कुल ओवरबॉट एरिया में चला गया है, 73-74 के आसपास चला गया है, तो ऐसा हो सकता है कि हमें नैसडैक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आगे जो दिन आने वाले हैं उनमें देखने को मिल सकती है। साथ ही में क्या हो सकता है कि जो डाउ जोन्स है वो नए हाईज मार सकता है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन हमें जो है नैसडैक और डाउ जोन्स में जो है देखने को मिल सकती है। डैक्स की अगर हम बात करते हैं, जो जर्मनी का मार्केट है, यूरोपियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मार्केट जो है वो माना जाता है, उसमें अगर आप यहाँ पे इस वक्त देख सकते हैं तो यहाँ पे चार्ट में डेली चार्ट में क्लियर कट डाइवर्जेंस आप देख रहे हैं। देखिए, प्राइस एक ही एरिया में है, प्राइस को एक एरिया में सस्टेन जो है वो कराया जा रहा है, बट जो RSI है वो धीरे धीरे करके नीचे की साइड जा रहा है। RSI में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है यूरोपियन मार्केट्स में भी। अब हम अपने इंडियन इंडाइसिस की तरफ आते हैं, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं डेली चार्ट मैंने निफ्टी का यहाँ पे लगाया हुआ है, और डेली चार्ट में अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे निफ्टी का, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, मतलब एक काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट पिछले कुछ दिनों से ही। अगर मैं बोलूँ पूरा जून मंथ आप देखें, पूरा साइडवेज एक ट्रेंड हमें जो है वो नहीं देखने को मिला, ना ही कोई डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, ना ही कोई अप ट्रेंड देखने को मिला है। बट एक चीज़ आप नीचे नोटिस कीजिएगा, मार्केट साइडवेज है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, बट अगर आप देख सकते हैं नीचे जो RSI है उसमें क्लियर डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, RSI नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस को उसी जगह पे रखा हुआ है। अब क्या सिनेरियो हो सकते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सेम चीज़ है, प्राइस एक महीने से एक ही जो रेंज है उसमें बांध के रखा हुआ है, RSI धीरे 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 नीचे की साइड जा रहा है, ये बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है हमें, निफ्टी में भी दिख रहा है। अब मेरे को क्या सिचुएशन लगती है, आपको पता है इस वक्त अगर आप निफ्टी का फ्यूचर्स देखते हैं 15,817 के आसपास है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है, और स्पेशली जो यूरोपियन और US मार्केट्स में जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे जॉब के डेटा आए हैं, मंडे को US मार्केट बंद रहेगा, तो कुछ जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो हमें US में नहीं देखने को मिलेंगी, तो ये जो स्ट्रेंथ है, हो सकता है US फ्यूचर्स फ्लैट या थोड़े स्ट्रेंथ में दिखे, तो मंडे को ट्यूसडे को मेरे को स्ट्रेंथ दिखाई देती है बाज़ार में, और हो सकता है हम नए ऑल टाइम हाईज जो हैं वो छू लें।
अब आपको कैसे पता करना है कि वो ट्रैप है या फिर वो जेन्युइनली मार्केट में स्ट्रेंथ है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मैं खुद ट्राई करूंगा कि मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूं, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, कि कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले सारी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए हमारा जो मार्केट है वो नया ऑल टाइम हाई जो है वो बना देता है, ठीक है, डेली चार्ट यहाँ पे लगा दिया 15,970, जो अपना एक पुराना रेजिस्टेंस था जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, 15,970 के एरिया के आसपास जो है जाता है निफ्टी और ऊपर की साइड अटेम्प्ट मारता है, नया ऑल टाइम हाई बनाता है। बट अगर आरएसआई आपको जो है स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, आरएसआई में आपको जो है वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऊपर आने के लिए अभी भी आरएसआई में कितनी जगह है। हो सकता है कि ये जो हाई निफ्टी मारे वो बिना आरएसआई के सपोर्ट के मारे, आरएसआई जो है अभी भी 61 तक आ सकता है। इस वक्त आरएसआई हमारा जो निफ्टी का है वो 55 के आसपास है, तो 61-62 तक आरएसआई आ जाएगा रेजिस्टेंस एरिया पे, और उसके बाद अगर निफ्टी हाई मारता है तो हो सकता है मेरे हिसाब से मंडे वेडनेसडे मोस्ट प्रोबेबली मिड वीक तक एक हमें हाई लगता हुआ दिखेगा। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर आरएसआई में जो ये डाइवर्जेंस जारी रहते हैं तो हमें एक शार्प सेल ऑफ आने को देखने को मिल सकता है। अगर आरएसआई में ब्रेकआउट होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने आरएसआई के लिए एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, तब मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ भाई एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, हम एक नए बड़े मूव के लिए तैयार हो रहे हैं और वो नया मूव ऊपर की साइड है। बट अगर आरएसआई स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, मैं पर्सनली पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा बाइंग की साइड। मैं थोड़ा वेट करूंगा लेवल्स को, 16,000 के ऊपर अगर निफ्टी एक दो दिन की क्लोजिंग देगा उसके बाद मैं जो है वो बाइंग का सोचूंगा, जहां से मुझे 400-500 पॉइंट की रैली दिखेगी ऊपर। वरना मैं अभी जो ये दो तीन दिन हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, और जो नीचे की साइड से बाइंग आ रही है, मेरे हिसाब से ये एक ट्रैप हो सकता है अगर आरएसआई स्ट्रेंथ नहीं दिखाता। यही सेम चीज़ मैं बैंक निफ्टी के लिए बोलना चाहूँगा। बैंक निफ्टी के आरएसआई में तो और ऊपर जाने की जगह है लगभग, अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का आरएसआई आपको एक हाई मारता हुआ दिखाई दे सकता है, 58 तक आ सकता है। अभी बैंक निफ्टी का आरएसआई अगर आप देखें तो 50 तक है, तो 7 से 8 पॉइंट का आरएसआई में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है अप मूव में। बट जब तक ये आरएसआई ये जो डाइवर्जेंस में चल रहा है, जैसे आप देखते हैं प्राइस जब नीचे की साइड जा रहा होता है और वो रेजिस्टेंस पे आता है, तो उसके बाद वो दोबारा नीचे की साइड जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे आया प्राइस वो दोबारा नीचे की साइड जाएगा। इसी तरह आरएसआई में भी अगर जो डाइवर्जेंस है वो कंटिन्यू रहते हैं और डाइवर्जेंस कंटिन्यू रहते हैं, वो ब्रेकआउट नहीं देता है तो, और प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं थोड़ा कॉशियस हो जाऊंगा। मेरे को लगेगा कि हो सकता है मार्केट एक बार बुल्स को ट्रैप करने के लिए ऊपर जा रहा है। ये हमारा वीकली व्यू है। मंडे के दिन अभी हमें क्या करना है, मंडे के दिन इंट्राडे ट्रेड लेना है भाई, इतना बड़ा व्यू लेने की तो ज़रूरत है नहीं। शांति से जो भी छोटा ट्रेड हमें मिलेगा वो हम लेंगे। मंडे के लिए क्रिटिकल कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर आउट करेंगे। सबसे पहले निफ्टी के लिए मैं बात कर लेता हूँ, 5 मिनट चार्ट आप लोगों के लिए मैं लगा देता हूँ। और देखिए ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल था निफ्टी के लिए, 15,730-750 आप बोल के चलिए। मेरे हिसाब से अगर मार्केट 15,750 एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, 750-760 की रेंज, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलता है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है 15,750-760 के ऊपर है, और कहीं भी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है 800 के पास, 780 के पास, 770 के पास, और मार्केट नीचे की साइड एक डिप देता है और 750 से जब रिवर्स होता है, प्राइस एक्शन ऐसे दिखाता है कि 750 पे सपोर्ट लेके जब मार्केट रिवर्स होगा वहाँ पे एक बाइंग बनेगी, बड़ा गैप अप होगा। अगर मैं चेज़ नहीं करूँगा, चेज़ मैं कब करूँगा गैप अप को, अगर गैप अप होके मार्केट 15,825 ये क्रिटिकल लेवल मेरे लिए है, 825 के ऊपर सस्टेन करेगा प्राइस, तब मैं जो है गैप अप को चेज़ करने की कोशिश करूँगा। बट 825 को सस्टेन नहीं कर पाएगा तो मैं एक डिप का वेट करूँगा। 750-760 तक की कोई भी डिप मिलेगी मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे की साइड आएगा बाउंस लेगा, पुट शॉर्ट कर सकते हो आप लोग। बाइंग में तो भाई पैसा बन नहीं रहा, तो आप फ्यूचर ट्रेड करो, ठीक है, फ्यूचर आप ट्रेड ले सकते हो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी को लेना ही है तो आप मंथली कॉल्स में ट्राई कीजिए। मंथली कॉल्स में जो टाइम डिके है वो इतना नहीं होता है, तो मैं प्रीफर करूँगा आप लोग मंथली कॉल्स लें। बट किसी को वीकली करना ही है तो फिर क्या कह सकते हैं, बट हमारे लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी 15,750 की या 15,800 की जो है वो हम कॉल ऑप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। ये हमारा जो है
यहाँ से जब बाउंस लेगा मार्केट गैप अप के बाद, अभी तो पॉसिबिलिटी गैप अप की लग रही है। शॉर्ट कब तक नहीं करना है, जब तक मार्केट इसको ना तोड़ दे। ये कौन सा लेवल है, 15,730 जब तक मार्केट नहीं तोड़ता है, 730 आप 725 बोल के चलिए, 730 720, ये एक 10 पॉइंट की एक सपोर्ट रेंज है। जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ता है, बिल्कुल शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी शॉर्ट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ डाइवर्जेंस है, हाँ हो सकता है ये ट्रैप है, बट आपको नहीं पता जब एक ट्रेंडिंग यूफोरिया मार्केट होता है जो लिक्विडिटी पे ड्रिवन है वो कितना ऊपर तक जा सकता है। आप नहीं झेल पाओगे जितना लॉस ये आपको देगा। हो सकता है ये 16,000 तक जा सकता है अगले एक हफ्ते में, कुछ नहीं पता भाई। तो अननेसेसरी शॉर्ट क्रिएट मत करो, और स्पेशली वीकली में तो बिल्कुल शॉर्ट्स क्रिएट नहीं करने हैं, इस चीज़ को मान के चलो। 730 अगर टूटेगा तब हम सोच सकते हैं मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 15,690, यहाँ पे एक सपोर्ट होल्ड कर सकता है मार्केट, और 690 टूटेगा तो उसके बाद नीचे जो है 660 का एक लेवल है, और उसके बाद जो है 630 जो हमने लास्ट वीक जो बात करी थी। तो जब तक 730 इंटैक्ट है, 15,730, अपने को डरने की बात नहीं है, ये हमारा मंडे के लिए प्लान है। बैंक निफ्टी में बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी एक बहुत मज़ेदार, आपको दिखाता हूँ मैं 5 मिनट चार्ट में, एक बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है और बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 3 बॉटम जो है वो बैंक निफ्टी ने बना दिए हैं। शॉर्ट मेरे को कब तक बैंक निफ्टी नहीं करना है, जब तक 34,650 ये लेवल हमारा फ्राइडे के लिए भी था, ये लेवल अभी भी है। इस लेवल के नीचे 5 मिनट की 2 कैंडल क्लोज दें, 15 मिनट की 1 कैंडल क्लोज दें, उसके बाद मैं शॉर्ट करूँगा। उससे पहले शॉर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अपन लोग क्या कर सकते हैं कि मार्केट जब इस लेवल को 34,900 एक बहुत क्रिटिकल लेवल है, बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, इस लेवल को नहीं निकालता है तब तक मैं बाइंग नहीं करूँगा। हो सकता है गैप अप पे आपको एक ऐसा मार्केट देखने को मिल सकता है, 35,050 एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट क्या कर सकता है गैप अप में, हो सकता है आपको एक गैप अप मिले 35,050 34,990 इस एरिया में कहीं भी गैप अप मिले आपको। या तो मार्केट को 35,050 का लेवल निकालने दीजिए, 35,050 का लेवल निकले तब हम जो है इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे लॉन्ग की, 35,000 की कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 35,100 की कॉल ऑप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं अपन लोग, ये अपना जो है एक ट्रेड बनेगा बैंक निफ्टी में। या फिर जब मार्केट डिप लेगा और इस लेवल को 34,900 को सपोर्ट की तरह एक्ट करके बाउंस देने लगेगा, तो 34,900 अपना क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। कौन सा ट्रेड ले सकते हैं अपन लोग, 34,900 की कॉल ऑप्शन ले सकते हैं और 35,000 की जो है कॉल ऑप्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो ये अपना ट्रेड बनेगा। दूसरा शॉर्ट कहाँ करना है, दो शॉर्ट के जो है कंडीशन होती हैं। अगर आपको सेफ शॉर्ट करना है 34,650 लिख के रख लीजिए, बहुत बार सपोर्ट ले चुका है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगर इस बार सपोर्ट लेने के लिए आया, ये ब्रेक होगा 100% और 34,600 का पुट ऑप्शन अपना बनेगा। 34,650 अगर ब्रेक होता है, जो हमारी कंडीशन है, 2 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो या 1 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, आप मान के चलिए बैंक निफ्टी विल ब्रेक डाउन, बहुत बड़ा ब्रेक डाउन होगा और 33,900 तक के लेवल्स खुलेंगे। बीच बीच में सपोर्ट्स आएंगे बट बड़े लेवल्स खुल जाएंगे अगर आप पोजिशनली पूछें तो। बट जब तक ये लेवल नहीं टूटता ना 34,650, आप लोग लॉन्ग रह सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर हो सकता है मार्केट निफ्टी स्ट्रांग हो, निफ्टी नए ऑल टाइम हाईज मार ले, बट बैंक निफ्टी उतना स्ट्रेंथ ना दिखाए। बैंक निफ्टी हो सकता है इस रेंज में ही घूमता रहे, 35,000 ऊपर की साइड अगर आप मेरे से पूछें कहां तक जा सकता है, तो 35,200 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, लास्ट टाइम इसने रोका था, और उसके बाद अगर ऊपर की साइड निकलता है तो 35,200 ये कुछ लेवल्स जो हमें निकल के आते हैं। तो एक बहुत स्टिफ रेंज है बैंक निफ्टी में, और स्पेशली जो कॉल राइटिंग है वो अभी भी प्रोज द्वारा करी गई है। एफएनओ डेटा जो हमारा आया है मंडे के लिए, उसमें कॉल राइटिंग जो है वो प्रोज द्वारा करी गई है, और अच्छी खासी राइटिंग हमें 35,500 के लेवल पे भी मिल रही है और 35,000 पे भी मिल रही है। तो बहुत क्रिटिकल लेवल है, 34,600 टूटेगा शॉर्ट करेंगे,
34,900-600 के बीच में है, कुछ नहीं करना भाई, शांति से बैठना है, अपना पैसा बचाना है। 34,900 ब्रेक करेगा, 35,050 का हमें पहला टारगेट मिलेगा, 35,050 ब्रेक हुआ तो 35,200 और उसके बाद 400 के टारगेट्स बनते हैं। तो सारा प्लान अपना तैयार है, होपफुली आपका ये वीक एज अ ट्रेडिंग वीक काफ़ी अच्छा जाए। पिछले कुछ दिनों से मैं जानता हूँ जितने भी ऑप्शन बायर हैं उनका बहुत ख़राब वीक जा रहा है, बट होपफुली हमारे लिए कुछ तो बेटर हो इस हफ्ते और साथ में अपन लोग ग्रो कर पाए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।